खरगोन जिले के पीपलगोन में आज मिडिल स्कूल में कोविड-19 केंद्र पर सुबह 9 बजे टीकाकरण लगाने की शुरुआत हुई, जिसमें ग्रामीणों ने उत्सुकता के साथ कोरोना का पहला टीका लगवाया। पहले दिन 100 वैक्सीन का लक्ष्य था, जो 2 बजे तक पूरा होगा। इस मौके पर सरपंच अजय जोशी, भाजपा पूर्वी मंडल अध्यक्ष गजेंद्र पटेल के साथ ग्रामीण जन उपस्थित थे। पीपलगोन से सलीम खान की रिपोर्ट। हमारे कसरावत पूर्वी मंडल में 2 सेंटर चल रहे थे पहले से, एक मुल्तान और एक खामखेड़ा। फिर 2 की विशेष तौर से मांग की थी, पीपलगोन क्योंकि बड़ा सेंटर था और एक बोरावां। 2 सेंटर आज से शुरू हुए हैं, उसके लिए काफ़ी प्रयास करने पड़े। कलेक्टर महोदय, SDM महोदय से बात करके और ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को कवर करने के लिए, और क्योंकि यहाँ मलगांव जैसा आखिरी गांव है मंडल का हमारा, उसको खामखेड़ा मुल्तान जाने के लिए 20 किलोमीटर जाना पड़ता है। अब इस सेंटर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आके उसको फ़ायदा लेने लगे। जनताओं का संदेश देंगे, जनता और गांव के लोगों को ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और युवा पीढ़ी लोगों को लेके आए। हम लोग जनरली क्या होता है कि चुनाव के टाइम में बुजुर्ग लोगों को वोट डलवाने के लिए घर से बिठा के लाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से आज हमारा दायित्व है कि आज जब महामारी जब देश में चल रही है, तो आज भी हमारा दायित्व ये बनता है कि हम आज भी लोगों को उसी तरीके से अभियान जैसे चुनाव में चलता है वोटिंग के लिए, ऐसे लोगों को घर से लेके आएँ और उनसे टीकाकरण करवाएँ। क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह पटेल, भाजपा कसरावत पूरी मंडल अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।